हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम होली की तैयारी कर रहे हैं। शाम को होली की पूजा करने जाएंगे। हमारे गुजरात में होली के दिन ढेबरा बनाते हैं, तो आज हम ढेबरा की रेसिपी बना रहे हैं। ये गुड़ लिया था, उसको हमने गर्म करके पिघला दिया है। अब ये गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा दरदरा है। अभी इसमें हम तेल डालेंगे, मोवन करेंगे उसका। जितना ज़्यादा हम तेल डाल के मोवन करेंगे, उतना गेहूं के ढेबरे क्रिस्पी बनेंगे, अच्छे कुरकुरे बनेंगे। इसलिए आटा जब गूंथते हैं तब ज़्यादा तेल डालना होता है ढेबरे में। मैंने अच्छी तरह आटे में मोहन डाल दिया है तेल का। अब हम सौंफ डालेंगे। हमारे गुजराती में सौंफ को वरियाली बोलते हैं। अब वरियाली डालेंगे इसमें। अब डाल दिया वरियाली। अब हम अच्छे से आटे को मिक्स कर देंगे। ये हमने गुड़ का पानी तैयार किया था, उसको एक छन्नी की सहायता से हम छान लेंगे, तो एक्स्ट्रा कचरा छन्नी में आ जाएगा। अब ये गुड़ का पानी है, इससे हम आटे को गूंदेंगे, इससे हम आटा बनाएंगे। ये गुड़ का पानी डाला। हमने आटा गूंद लिया है। ये आटा ढेबरे का तैयार हो गया है। अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। ये पूरी हमने बना ली है, आप देख सकते हैं। ये हमने मशीन जो पूरी बनाने का आता है उससे प्रेस करके ये मशीन से पूरी बना ली। अब हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे गैस पे। तेल गरम हो गया है। अब हम तेल में पूरी डालेंगे और धीमी आंच पे इसको तलेंगे। जिसे थोड़ा थोड़ा पूरी ब्राउन लगने लगे फिर उसको निकाल लेना है। ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन लगे उसके बाद हमको निकालना है। ये देख सकते हैं ब्राउन हो गया, थोड़ा थोड़ा कलर आ गया इसमें। ये पूरी हमने निकाल लिए। बस इसी तरह सब पूरी हमको तेल में तलनी है। ये सब हमने फ्राई करके रेडी कर दिया है पूरी को। ढेबरा हो गया है रेडी, अच्छी तरह ये तल चुका है और क्रिस्पी लग रहा है एकदम। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। और कभी कोई कोई थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, क्योंकि बीच बीच में नानू मुझे परेशान कर रही थी, तो थोड़ा जल गया है थोड़ा थोड़ा, बाकी तो मस्त बना है। आप देख सकते हैं ढेबरा कितना अच्छा बना है। हमारे गुजराती में इसको ढेबरा बोलते हैं। जब शाम को होली जलेगी तब वहाँ इसको लेके पूजा करना पड़ता है, होली माता को अर्पित करते हैं हम लोग।
फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ईजी है और खाने में बहुत क्रिस्पी लगेगा। मॉर्निंग में चाय के साथ नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। ये डेबरा नानू ने बहुत पसंद किया, बिस्किट जैसा क्रिस्पी बना। इसलिए हम मॉम के घर बहुत सारे डेबरे बनाते थे और 10 दिन तक सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ नाश्ता करते थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये डेबरा रेसिपी। और मेरी ये डेबरा रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। अब हम बेसन के ढेबरे बनाएंगे। ये मैंने बेसन लिया है, इसका छान लेना है और इसमें सब मसाले डालना है। लहसुन जीरा की पेस्ट, मिर्ची, नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा तेल डाल के इसको मोवन करके आटा बनाना है। मैंने ये मसाले डालने का वीडियो शूट नहीं किया तो रह गया है। और आटा गूंद के इसकी पूरी बना लेनी है और उसको फ्राई करना है तेल में। अब ये हमने फ्राई कर लिया है बेसन के ढेबरे। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा। इसको थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन तलना है धीमी आंच पे। फ्रेंड्स, शाम हो गई है और हम होली पूजन के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं सब होली पूजा कर रहे हैं लोग।